हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड हम पढ़ रहे हैं PGRs, जिसमें आज हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट इथाइलीन। सो व्हाट इज मोस्ट स्पेसिफिक अबाउट इथाइलीन? इथाइलीन कैन एक्ट एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। दोनों रोल्स देखे जाते हैं। किसके देखे जाते हैं? इथाइलीन के। बट इट्स रोल इज मोर सिग्निफिकेंस एज अ इनहिबिटर। तो मोर सिग्निफिकेंटली जो इथाइलीन होता है, इट इज अ गुड इनहिबिटर। तो एक्ट वो दोनों तरीके से कर सकता है, एज अ प्रमोटर एंड इनहिबिटर। बट हम जनरली उसका रोल, उसको यूज करते हैं एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, सो हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड? Cousins confirmed, cousins कौन है? Cousins वो scientist, cousins not your cousins, confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored bananas. Later, this substance was identified as ethylene. अब सबसे पहली बात तो जो इथाइलीन था वो कैसे कन्फर्म हुआ? एक रूम था अ फुल ऑफ रॉ बनानास। वहाँ पर एक रूम था, उसमें बहुत सारे कच्चे केले रखे हुए थे और कच्चे केले जो थे वो धीरे धीरे करके अपने आप पक गए। अरे ऑब्वियसली कच्चे केले रखे रहेंगे, अपने आप ही पक जाएंगे। लेकिन उस रूम में जब ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा क्या था कि ये बनाना इतनी जल्दी पक गए, तो वहाँ पर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस ऑब्जर्व हुआ। किससे? पके हुए केलों से जो निकला था, दैट वॉज इथाइलीन। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज हुई कि इथाइलीन को किस लिए यूज करते हैं? हम इथाइलीन को यूज करते हैं फॉर अर्ली राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स या किसी भी चीज को जल्दी पकाने के लिए, वो चीज जल्दी पक जाए, इसलिए हम यूज करते हैं इथाइलीन। तो जो पके हुए बनाना थे, राइपन्ड बनाना थे, उससे रिलीज हुआ था एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, दैट वॉज इथाइलीन। इथाइलीन इज अ सिंपल गैशियस PGR। कैसा PGR होता है? इट इज अ गैशियस, जैसे जिब्रेलिन एसिड एसिडिक था, साइटोकाइनिन एडिनिन डेरिवेटिव था। तो इस तरीके से अगर इथाइलीन की बात करते हैं तो इट इज सिंपल गैशियस PGR, गैस होता है। ओके, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फूड। तो देखो, जो भी टिश्यू सेनेसेंस फेज में जा रहे हैं या फिर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, राइपनिंग का भी मतलब होता है कि भाई धीरे धीरे आप सेनेसेंस की तरफ बढ़ रहे हो, और सेनेसेंस इन द सेंस कि जो भी काम था आपका, आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है, अब आप धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हो, दिस इज सेनेसेंस। तो प्लांट में सेनेसेंस क्या होगा कि भाई लीव ग्रो करा था, उसने पूरा फोटोसिंथेसिस करा, सब कुछ करा, नाउ अब लीव क्या हो गया, अब लीव की उम्र हो चुकी है और वो येलोइश होने लगी, धीरे धीरे करके वो सेनेसेंस में जा रही है। तो जो ये सेनेसेंस वाले पार्ट होते हैं वो, और जो राइपन्ड फ्रूट्स रहते हैं उनसे मेजरली इथाइलीन हमें ऑब्जर्व होता है, उनसे निकलता है, उनसे रिलीज होता है दिस गैशियस PGR, दैट इज इथाइलीन। तो सोर्स क्या हो गया इथाइलीन के? ऑल द प्लांट्स पार्ट दैट इज अंडरगोइंग सेनेसेंस, एंड सेकेंडली द राइपन्ड फ्रूट्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ इथाइलीन। फंक्शन बहुत सारे हैं, तुम जो सोचोगे भी नहीं ना वो इसके फंक्शंस हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या फंक्शंस हैं। It influences horizontal growth of the seedling, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seed. अगर किसी भी प्लांट की आपको horizontal growth करानी है, horizontal growth, not vertical growth, horizontal growth, तो horizontal growth of the seedlings के लिए responsible होता है इथाइलीन। Which hormone? इथाइलीन। Also, swelling of the axis and apical hook formation in dicot plant. तो जो एपिकल टिप की ग्रोथ होती है, एपिकल हुक फॉर्मेशन होता है डाइकॉट सीडलिंग्स में, इट इज बीइंग डन बाय इथाइलीन। तो जो भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, इट वाज परफॉर्म्ड बाय इथाइलीन। सेकंड, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अभी तक हम जो भी ग्रोथ हॉर्मोन्स देख रहे थे, प्रमोटर्स, दे वर डिलेइंग सेनेसेंस। वो सेनेसेंस को देरी से लाने दे रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी प्लांट के पार्ट्स नहीं झड़े। बट अगर हम बात करते हैं इथाइलीन की, तो इट प्रमोट सेनेसेंस, और मेनली सेनेसेंस करवा के ये क्या कर रहे हैं, ये लीव्स और फ्लावर्स को शेड ऑफ करा दे रहे हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स का एब्सिशन करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं? एब्सिशन, ठीक है, लॉस हो जाएगा, झड़ जाएंगे वो। तो लीव्स एंड फ्लावर्स विल एब्साइज्ड, दे विल हैव एब्सिशन, बिकॉज
इथाइलीन इज प्रमोटिंग सेनेसेंस. वो चाह रहा है कि जल्दी से ये खत्म हो, अपनी एक्टिविटी करें, जल्दी से बूढ़े हो और झड़के हटके अलग हो, और ताकि न्यू लीव्स या न्यू फ्लावर्स वहां पर आए. ठीक है, तो इट प्रमोट सेनेसेंस. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. तो पहला तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेकेंड नंबर पर इट प्रमोट सेनेसेंस, थर्ड इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना ही नहीं है. इथाइलीन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने का काम करता है इथाइलीन. इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. अब क्या होता है, जब भी फ्रूट को पकना है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इसके कारण से जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. और जब रेस्पिरेशन रेट का अचानक से इंक्रीज हो जाना, बिकॉज वी वॉन्ट टू राइपन आर फ्रूट, दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज, दिस कंडीशन इज रेफर टू एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. दिस कंडीशन इज रेफर टू एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, क्योंकि क्या हुआ है अचानक से फ्रूट को राइप होने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट इन्हांसेस, एंड दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. ओके, तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, जिसके कारण हमें रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक देखने को मिलता है. नेक्स्ट, इट ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, इट इनहिबिट्स डॉर्मेंसी. जो सीड्स और बर्ड्स डॉर्मेंसी में पड़े हुए थे, आपने घर में गेहूं लिए, गेहूं पड़े हुए हैं, अपने आप तो जर्मिनेट नहीं हो रहे, ठीक है, उनको डॉर्मेंसी में रख के रखा है इथाइलीन ने. ठीक है, अब इथाइलीन ने नहीं, उनको डॉर्मेंसी में रख के रखा है एब्सिसिक एसिड ने, जो आगे हम पढ़ेंगे. अब लेकिन भाई, अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक करके हमने उसको मिट्टी में डाल दिया, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अब तो ग्रो करना चाहिए ना. अब सीड को अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक करके पूरे प्लांट में कन्वर्ट होना चाहिए, बेसिकली सीड को जर्मिनेट करना चाहिए. तो डॉर्मेंसी जब ब्रेक होगी तब सीड जर्मिनेशन होगा. तो ये कौन करवा रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द डॉर्मेंसी एंड प्रमोटिंग जर्मिनेशन, दैट इज डन बाय इथाइलीन. तो व्हाट इथाइलीन डज, इट ब्रेक्स द बर्ड डॉर्मेंसी and what it does, it initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tuber. तो क्या करवाता है, seeds की dormancy को break down कराता है, कौन, ethylene, and साथ ही साथ में it induce germination of the seeds. clear? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, revise कर लो फटाफट से. सबसे पहले horizontal growth, second number पे promote senescence, थर्ड इट प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दस कॉज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक. नंबर फोर्थ, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन. नाउ फिफ्थ, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स. इट हेल्प्स द लीव्स अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव वाटर. अब कोई भी ऐसा प्लांट है जो वाटर में है, सपोज दिस इज वाटर और यहाँ पे वो नीचे प्लांट है, यहाँ पे कोई भी प्लांट है, these are the roots और ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स हैं, ऐसे करके यहाँ पे कोई भी प्लांट है. अब इथाइलीन क्या करता है, इथाइलीन जस्ट इनेबल्स दिस इंटरनोड इलोंगेशन, जो यहाँ पे आपको रेड कलर से मार्क दिख रहा है, इस इंटरनोड का इलोंगेशन करा देता है इथाइलीन. तो अब अगर इंटरनोड का इलोंगेशन हुआ तो क्या होगा, ये यहाँ ऊपर तक आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और या फिर ये पेटियोल का इलोंगेशन कराता है. तो वॉट इज पेटियोल, पेटियोल क्या होता है, आपने पढ़ा है, दिस पार्ट ऑफ द लीफ, ये जो ये वाला पार्ट होता है लीफ का, द स्टिक, दिस पार्ट इज नोन एज पेटियोल, जिसको कनेक्ट करता है ब्रांचेस से. तो क्या करता है भाई इथाइलीन, इथाइलीन आइदर इंक्रीज द टिप ऑफ द पेटियोल. तो पेटियोल की लेंथ अगर बड़ी हो गई तो लीव्स भी कहाँ आ जाएंगी, वाटर के सरफेस पर आ जाएंगी. लीव्स कहाँ आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी, सरफेस पर आ जाएंगी. अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब वो ऊपर सरफेस पे आ गए लीव्स और फ्लावर्स एटसेट्रा, तो नाउ द पॉलिनेशन इज इजी, रेस्पिरेशन इज, ब्रीदिंग इज इजी, गैसेस एक्सचेंज इज इजी, एवरीथिंग बिकम इजियर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सो क्या करवा रहा है इथाइलीन, इथाइलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड इलोंगेशन और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द पेटियोल फॉर अंडरग्राउंड या डीप वाटर प्लांट्स. तो डीप वाटर प्लांट्स राइस प्लांट में क्या कराता है, इंटरनोड इलोंगेशन और इलोंगेशन ऑफ द पेटियोल. ओके, क्लियर. नाउ सिक्स्थ, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. तो रूट हेयर्स जो होते हैं एंड द ग्रोथ ऑफ द रूट, इट वॉज प्रमोटेड बाय
इथाइलीन एंड रूट हेयर्स हैं, रूट की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस. आप जानते हैं, आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है कि यहाँ रूट में बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स. तो रूट हेयर्स करते क्या हैं, रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल. सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो करवाना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट हेयर्स. कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट हेयर्स. और रूट हेयर्स की ग्रोथ को कौन प्रमोट कर रहा है, रूट हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है इथाइलीन. सो इथाइलीन इज समवेयर व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज हेल्पिंग टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस. एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, द इथाइलीन. क्लियर, ओके. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फूड सीड इन पाइन एपल्स. तो पाइन एपल्स में फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है कौन, इथाइलीन. एंड साथ ही साथ में इट इंश्योर्स फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजेशन विद द फ्लावर. तो फ्लावर फ्रूट का जो सिंक्रोनाइजेशन है इन पाइन एपल, इट इज़ मेंटेन बाय इथाइलीन. ऑल्सो इट इज़ यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो. तो मैंगो और पाइन एपल में फ्लावरिंग करा रहा है, साथ ही साथ में पाइन एपल में इट इज़ सिंक्रोनाइजिंग फ्लावर एंड फ्रूट सिंक्रोनाइजेशन. ओके, लास्टली इट इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर. एंड इथाइलीन हैज़ मच यूज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द पर्पज ऑफ राइपनिंग, हॉरिजोंटल ग्रोथ, और फॉर अर्लिंग या फिर फॉर प्रमोटिंग सेनेसेंस, है ना, फॉर जर्मिनेशन और एनीथिंग. द इथाइलीन इज यूज वाइडली. सो यू हैव स्टडीड 8 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इथाइलीन अभी तक. चलो रिवाइज करते हैं जल्दी से, क्यों नहीं तो आप भूल जाओगे. नंबर 1, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. 2, टू प्रमोट सेनेसेंस. 3, फ्रूट की राइपनिंग जिसके कारण रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक होता है. नेक्स्ट, इनहिबिट्स ब्रेक्स डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स जर्मिनेशन. देन इट इलोंगेट्स इंटरनोड और पेटियोल लेंथ इन राइस प्लांट्स, अंडरग्राउंड राइस वाटर प्लांट्स, जिसके कारण क्या होता है, वो सरफेस पर रह सकते हैं. उसके बाद आपने देखा, इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज होता है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइन एपल एंड इन मैंगो. ऑल्सो इन मैंगो इट इज़ यूज फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट. लास्टली आपने देखा, इट इज़ यूज वाइडली इन एग्रीकल्चर. ओके, नाउ व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इथाइलीन दैट इज अवेलेबल. The most widely used source of ethylene is ethaphone. तो ये मार्केट में आपको इस तरीके से बॉटल्स में अवेलेबल होता है इथेफोन. इथेफोन इज एन एक्वा सोल्यूशन, इज रेडिली अब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेज इथाइलीन स्लोली. तो इथाइलीन मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल एज इथेफोन. तो इथेफोन आप लेते हो बॉटल्स एंड यू जस्ट स्प्रे ऑन टू द प्लांट. प्लांट में आप जैसे अब्जॉर्ब करते हो, इथेफोन स्लोली इथाइलीन रिलीज करता है एंड दैट इथाइलीन इज अब्जॉर्ब और यूज बाय द प्लांट. सो मार्केट में किस नाम से आपको मिलेगा, आप बोलोगे इथाइलीन दे दो तो आपको इथाइलीन ही देंगे. यू हैव टू कॉल इट इथेफोन चाहिए हमें, अगर आप एग्रीकल्चर करने वाले हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं. ओके, तो इथेफोन हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट्स एब्जॉर्प्शन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट. तो भाई क्या करवा रहा है, फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करेगा इथेफोन. क्यों प्रमोट करेगा इथेफोन, बिकॉज इथेफोन कंटेन इथाइलीन ओनली, इथाइलीन ही तो प्रेजेंट है इथेफोन में. तो सबसे पहली चीज़ तो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करेगा. अभी जो हमने सारे फंक्शन देखे वही चीज़ें होगी. तो इथेफोन क्या करेगा, इथेफोन विल प्रमोट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट. सेकेंड, व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सेलरेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट. जो खराब हो चुके हैं, जो सेनेसेंस हो चुके हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स, उनको एब्सेशन कराएगा. इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन क्यूकम्बर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड्स. ऑल्सो व्हाट इथाइलीन डज, इथाइलीन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स. तो क्यूकम्बर्स में फीमेल फ्लावर्स का नंबर को इंक्रीज करेगा इथाइलीन एंड देयरफॉर इट इंक्रीज द यील्ड. व्हाट इट डज, इट इंक्रीज द यील्ड. So this is done by ethaphone. What is ethaphone? Ethaphone is just a type of, just a market product of ethylene. Jisko aap laake spray karoge, wo slowly ethylene release karega and it will perform all this function. Ripening of the fruit, accelerate abscission of leaves and flowers, and also it increase female flowers in cucumber. Jiske karan ultimately aapke field ki, aapke crops ki yield increase hogi. So this is everything about ethylene. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, like the video and subscribe the channel. Thank you and keep watching.